मणिपुर की घटना पर गुस्से में लाल हुई महुआ। स्मृति ईरानी को दे डाली कैसी नसीहत। कांग्रेस के ट्वीट का क्यों किया जिक्र। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता पर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को असफल करार दिया। ट्वीट में महिला और बाल विकास मंत्री को रिपोर्ट कार्ड दिया गया, जिसमें स्मृति ईरानी को फेल बताया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड पर कहा कि कांग्रेस ने दो मोर्चों पर अच्छा स्कोर किया है, भ्रष्टता और जानबूझकर अज्ञानता। इसे लेकर अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए उन्हें भ्रष्टता का अर्थ जानने के लिए एक डिक्शनरी खरीदने की नसीहत दे डाली। महुआ ने कहा, माफ करे महिला और बाल विकास मंत्री, ये भ्रष्टता नहीं है। भ्रष्टता वह है जिसमें भाजपा अन्य राज्यों में फर्जी खबरों के जरिए मणिपुर मुद्दे को भटका रही है। महुआ ने ट्वीट किया, जब पीएम, गृह मंत्री समेत महिला और बाल विकास मंत्री हमारी बहनों के मरने पर चुप्पी साध लेते हैं, भ्रष्टता तब है जब आपकी कुर्सी हमारे पहलवानों की रक्षा नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए महुआ ने कहा, अगर मौन गुरु अनुमति दें तो शब्द कोश खरीद लें। वहीं मणिपुर में हुई घटना को लेकर स्मृति ईरानी ने पहली बार मीडिया से बात करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। क्या कुछ कहा सुनिए। इज नॉट ओनली सेंसिटिव बट हैज इम्प्लीकेशंस विद रिगार्ड्स टू नेशनल सिक्योरिटी इज नोन टू ऑपोजिशन लीडर्स। हाउएवर ऑपोजिशन लीडर्स डिड नॉट वांट टू डिस्कस द इश्यू ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट हैज बीन एक्सट्रीमली अलार्मिंग इज दैट यस्टरडे फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान अ मिनिस्टर स्पोक अप अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन राजस्थान। He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where two Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this. The Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. आपको बता दें कि मणिपुर में बीते 78 दिनों से हिंसा का दौर जारी है। इस बीच मणिपुर का एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दो महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़क पर परेड करवाई जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। वहीं इसे लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।